हर चीज के बारे में हमारे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही होती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की रैंडम सिचुएशन देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, कर लो यार, और वो घंटा जरूर दबाना, क्योंकि नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। कॉलेज गैदरिंग सभी स्टूडेंट को शो ऑफ करने का बराबर का मौका देती है, क्योंकि गैदरिंग तो रहती है शो ऑफ करने के लिए। गैदरिंग के एक हफ्ते पहले सब अपने अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब में वो लड़का सबसे ज्यादा लकी होता है जिसका डांस परफॉर्मेंस हो, और वो भी लड़की के साथ, और वो भी उसकी जीअप के साथ। वो बंदा साला एक हफ्ते तक दिन रात डांस की प्रैक्टिस करता है, इसी चक्कर में कि साला डांस से अपनी जीअप के साथ साथ दूसरे की जीअप को भी इम्प्रेस करूंगा, और उसके जीअप के साथ डांस का एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपना परफॉर्मेंस देने लगता है तो उसका डांस कुछ ऐसा निकलता है। ना देख मुझे जादूगर मछली, तेरी बात लगे मुझको नकली, तुझ पे मेरा जादू चल जाएगा, एक दिन तेरा दिल भी मचल जाएगा। जो भी लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से कहते रहते हैं कि लेकिन सिर्फ कस्मों वादों से काम नहीं चलता, लाइफ में दाना पानी का भी सोचना पड़ता है। जो लोग रिलेशनशिप में शादी के बारे में कस्में वादे करते हैं, उनका शादी के बारे में एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है। तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात। लेकिन ये बात तो सबको पता है कि रियलिटी में क्या होता है। नजर हंस रही है, ये दिल रो रहा, मुझे प्यार लाया है किस मोड़ पे। लाइफ में झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन वो झगड़ा ही क्या जिसमें दोस्त का साथ ना हो। जब भी हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हमेशा दोस्त ही काम आते हैं, और जब कभी भी हमारा झगड़ा हो जाए तो दोस्त को बताने से पहले हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है। साला दोस्त हेल्प तो करता है, लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा होता है। तुम लोग मेरे फ्रेंड्स को जानते नहीं, एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग। रेडी भाई लोग? रेडी। एक दो जय माता दी। एग्जाम के टाइम एक दूसरे को हेल्प करने का रूल सभी स्कूल और कॉलेज में लागू कर देना चाहिए, तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। साला ये तो पॉलिटिकल लाइन होगी भाई। एग्जाम में जिस लड़की का रोल नंबर हमारे पास होता है उसे हम एग्जाम चालू होने से पहले अपनी पूरी कंडीशन बता देते हैं, और वो लड़की भी हमें एग्जाम में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, और हमारा उस लड़की के बारे में एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम चालू होती है उसके बाद की रियलिटी तो आप सबको पता है। ये दिखा देना। अरे चुप रहे, सर देख रहे हैं अभी। सर एक शीट देना। दिखा देना पूजा, एक घंटा हो गया यार, एक वर्ड भी ना लिखा है। यार मुझे खुद नहीं आता। यार खुद ना आता, ये सीट पे सीट लेने लग रही, इनमें क्या रंगोली बनाने लग रही है। दोस्त के बिना तो सबका प्यार अधूरा है, क्योंकि प्यार पाने के लिए सबसे पहले दोस्त ही आगे आते हैं। उन्हें बस यही कहना होता है कि भाई यार मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, तभी दोस्त कहते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, हम तेरी सेटिंग लगा देंगे, और तभी आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है। लेकिन साला बाद में पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।